दिल की धड़कन तू, दिल की धड़कन तेज हुई कि नहीं मंच में इतने सारे बच्चों को एक साथ देख के? हमें तो बहुत बहुत खुशी होती है कि आज हमारे पाठशाला के सारे बच्चे, हाँ ज़रूर तीन चार बच्चे जो मैम, तीन चार बच्चे सिर्फ वॉलेंटियर्स है, बाकी की सारे के सारे बच्चे आज आपके सामने परफॉर्म करने वाले हैं। और इसी बात पे एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि इतने सारे बच्चों को लेके एक प्रेजेंटेशन स्टेज में रखना वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और बहुत सारी बातें जो मैं ऑलरेडी बैक स्टेज में होते हुए बोल रही थी, एक मज़ेदार बातें शेयर करती हूँ, वो ये है कि पिछले 1.5 महीने से हमारा ये प्रैक्टिस चल रहा है। मानती हूँ हमारा ये सेकंड शो है, ऑलरेडी हम ये पाठशाला हॉस्टल कैंपस में कर चुके हैं। और हमारी खुशी की बात ये है कि मिस शिल्पा रानाडे, जो कि एनिमेटेड मूवी गोपी गवैया बाघा बजैया का डायरेक्टर है, वो आए थे, बहुत बहुत खुश हुए थे। उन्होंने बोला था, जो कि मैंने अभी बोला, फिर से बोल रही हूँ कि हमने तो वो मूवी बनाई, बहुत सारे एडिटिंग है मूवी में, बहुत सारे क्लिपिंग्स है, वो हम फिर से और एक बार ले सकते हैं और उसको डिलीट कर सकते हैं, पर बिना भूले उसको स्टेज करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो उनकी वो बातें हमें इतनी मोटिवेशन जुटाई कि हमने सोचा उरुकू का क्यों ना पहला शो हम उसी से शुरू करें। और सेकेंड शो है, फिर भी हमारे जूही मैम और हमारे पाठशाला हॉस्टल के जो हॉस्टल मदर्स है, टीचर्स है, उन सभी की कड़ी मेहनत और हमारे बच्चों का ध्यान एकदम पकड़ के रखते हुए हमने ये प्रैक्टिस की। उसका टाइमिंग्स भी बहुत अलग अलग होता था। कभी आप सोचिए सुबह के 6 बजे प्रैक्टिस शुरू हो जाता था, और 6 बजे के प्रैक्टिस के लिए हमें अपने बच्चों को 5:30 बजे से उठाना होता था। कभी ऐसे टाइम पे, कभी प्रेयर के टाइम पे, मतलब 9 बजे, तो कभी इवनिंग प्रैक्टिस भी हुई। पर हाँ, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस हुई ताकि एकदम बेस्ट हमारे बच्चे जो आपके सामने ला सकते हैं वो उनसे निकाल पाए, वो लोग दिखा पाए आपके सामने। और कुछ कुछ लोगों को आज थैंक यू नहीं बोलूँगी तो ये कार्यक्रम शुरू करना एकदम सही नहीं होगा। उसके लिए सबसे पहले
पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम स्टेज अथॉरिटी, उन सभी को थैंक यू। उन्होंने हमें बहुत बहुत हेल्प किया क्योंकि आज हम ऑलमोस्ट सुबह से यहाँ पे है, 8:30 बजे से यहाँ पे है क्योंकि बहुत सारे डेकोरेशन है, इतने सारे बच्चों को लेके तैयारी करनी है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमारे जहाँ जहाँ जैसे भी ज़रूरत हुआ उन्होंने हमें हेल्प किया, तो थैंक यू सो वेरी मच। इसके बाद हमारे फराज खाने वाले भैया, रफ़ीक भाई, कालू भाई और उनके पूरे टीम, एकदम जैसे जैसे उनको इंस्ट्रक्शन मिला उन लोगों ने अपने एकदम शिद्दत से वैसे उन्होंने तैयारी की। पाठशाला पाठ भवन के सारे वॉलेंटियर्स जो लोग आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ से जाना है, किस तरफ वॉशरूम है, फीडबैक फॉर्म एट्सेट्रा एट्सेट्रा जो भी होता है, उनके लिए हमारे सारे वॉलेंटियर्स को थैंक यू वेरी वेरी मच। क्योंकि पिछली बार जब हमारा शो हुआ था स्रोतोशिनिका यामिनी, तब हमें अपने फीडबैक फॉर्म में मैनेजमेंट का, वॉलेंटियर्स का बहुत अच्छा फीडबैक मिला था, तो फिर से इस बार भी मेरे ख्याल से अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे जब तक आप लोग हो यहाँ पे। उसके बाद हमारे वो सारे डोनर्स जो कि पूरे साल भर हमारे पाठशाला पाठ भवन और चूर्णी के काम को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, और स्पेशली थैंक यू बोलूँगी उन सभी को जो लोग आज टिकट लेके, टिकट खरीद के हमारा इस फंडरेजिंग प्रोग्राम में हमें हेल्प किया है, और स्पेशली जिन लोगों ने टिकट अब तक पहुंचाई है, टिकट सेल करने में जो लोगों ने मदद किया है, उन सभी को थैंक यू वेरी 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 मच। और ये उम्मीद रखते हैं कि उरुकू एक दिन इतना अच्छा परफॉर्म करेगा धीरे 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 कि इस शहर में, शहरों के बाहर, देश के कोने कोने में और फिर देश के बाहर भी जाएगी, क्योंकि हमारा इंस्पिरेशन है ब्रॉडवे। कि अगर ब्रॉडवे के नाम सुन के हमारे सबका रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो एक दिन उरुकू का नाम पे भी ऐसा ही कुछ होगा, होगा कि नहीं, क्या लगता है आपको? एकदम एकदम। तो उन सभी को थैंक यू वेरी वेरी मच, आप सब लोग आए हुए हो। और शुक्ति दी, हमारी प्यारी शुक्ति दी, शुक्ति भट्टाचार्य, जो उरुकू का इतना प्यारा सा गाना आपने सुना वो उन्होंने लिखा है, उन्होंने कंपोज किया है, उनको भी थैंक यू। शुक्ति दी आप जहाँ पे भी हो, थैंक यू वेरी वेरी मच। और आप सभी को हमारे स्रोतोशिनी का जो काम है उन सब के बारे में पता ही है, पर एक बार झटपट बता देती हूँ। ये झटपट शब्द मेरे खुद के लिए, क्योंकि मेरे हाथ में माइक आता है तो कब छोड़ू उसको मुझे ही पता नहीं चलता। पाठशाला, ये काम हमने 2013 में शुरू किया था, उसके बाद अभी हमारी वो जर्नी पाठशाला हॉस्टल तक पहुंची। 2019 29 सितंबर हमने हमारा हॉस्टल बनाया, वहाँ पे अभी 100 बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सपना देख रहे हैं और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, उसका एक है ये उरुकू। उसके बाद पाठ भवन संजय नगर समा, वो है, उसमें भी बहुत सारा काम चल रहा है। मौसमी दत्ता, मौसमी दी उसको लीड कर रही है, बहुत सारे टीचर्स है, एक्टिविटीज़ होती है ढेर सारी, बच्चों का करियर काउंसलिंग होता है, आगे बढ़ने में जिस तरीके की गाइडेंस और मदद की ज़रूरत है उन बच्चों के लिए, वो सब किया जा रहा है। तीसरा है चूर्णी, चूर्णी है वो महिलाएं जो सपना तो देखते हैं, काम भी बहुत कुछ उनको आता है, पर किस तरीके से करें, उनका वो जो रास्ता थोड़ा दिखाने के लिए और हम काम कर रहे हैं। तो पाठशाला पाठ भवन चूर्णी एकदम लगन से काम कर रहे हैं, और आप सभी को बोलूँगी जिसको जैसे भी आप वक्त निकालोगे, प्लीज़ हमारा ये जो कोशिश है इसके साथ जुड़िए, देखिए, हमें प्यार दीजिए, क्योंकि प्यार ही वो एक शब्द है जिसके वजह से हम आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। अभी रही बात उरुकू की, उरुकू नाम इसलिए है क्योंकि हमें ये ऊष अक्षर से ही बहुत ज़्यादा प्यार है। उद्यम है, उद्यम हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज पाठशाला पाठ भवन के बच्चों के लिए, उधम पाठशाला के एनुअल प्रोग्राम, फिर है उमंग, नाइन्थ में पाठशाला, ये जो सोच है इसकी जब शुरुआत हुई थी ये है उमंग और उद्यम बोला मैंने, और उत्सव, सॉरी 29 सितंबर जब हमारा पाठशाला हॉस्टल बना वो है उत्सव। तो ये उद्यम, उत्सव, उमंग और उधम, इसके साथ हमने और एक चीज़ जोड़ दी, वो है उरुकू, जो स्रोतोशिनी का
परफॉर्मिंग आर्ट टीम है। अभी उन सभी को थैंक यू, क्योंकि आज जिनके हाथ पकड़ के धीरे धीरे हम यहाँ तक पहुँचे, उपेंद्र किशोर राय चौधरी, सत्यजीत राय, शिल्पा रानाडे, और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास इंसान है, वो है सर नारायण परशुराम जी। क्योंकि उन्होंने ये जो बेहतरीन गाना आप लोग अभी सुनोगे, ये पूरा एनिमेटेड मूवी में इतने अच्छे गाने, हर एक लाइन जैसे एकदम याद रखने लायक, तो इनके म्यूजिक कंपोजर मिस्टर नारायण परशुराम जी आज हमारे साथ है। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच सर। शिल्पा मैम आए, हमें मोटिवेशन दिया, फिर सर आप आए, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात तो है ही, साथ में थोड़ा डर सा है कि ये जो इतनी सारी तैयारी वो ठीक ठीक तरीके से हम आज रख पाए आप सभी के सामने। और कुछ अगर पॉइंट में छोड़ जा रही हूँ तो वे मैं देख लूँगी बैक स्टेज में जाके, फिर लास्ट में बोल दूँगी, ठीक है? तो बस और वक्त नहीं लूँगी, उरुकू का पहला शो गोपी गवैया बाघा बजैया शुरू होने जा रहे, एकदम कस के बैठिए, बहुत सारी तैयारी। बस गोपी गवैया बाघा बजैया, हमारे पाठशाला के ऑलमोस्ट 90+ बच्चे आज आपके सामने मंच पे आने वाले हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। उरुकू का पहला शो गोपी गवैया बाघा बजैया। हमारी घरवाली की चीखें भी, वो चन्नी मुन्नी पन्नी मेथी धनिया पुदीना और फिर आखिरी में राजू को जन्म दे रही थी। गवैये की जांच बंद करनी ही पड़ेगी, बहुत हो गई उसकी कक्कड़ को। सब
पिछ जाए, पलके दिख जाए, काले गहरे कुएं जैसे मुखड़े वाले, तेरह शिकारियों के इकलौते शेर चौड़े घुटने पधार रहे हैं। सबसे बलवान हमारे इकलौते भगवान, चिड़ियों का बंद हो गया है चहकना, दूध नहीं देती अब हमारी गैया, खेतों में अनाज की फसल की खत्म हो गई है नस्ल, कुएं का पानी हो गया है खारा, गांव का हर इंसान हो गया है बेचारा। क्या हमारे पालक जैसे हरे भरे गांव की ये हालत? हुजूर, हमारे बनिए की है संतान जो ऐसा गाता है गान कि फटने लगते हैं हमारे कान। खोदा पहाड़ निकला सवैया, जाओ हमारा समय नष्ट हो रहा है। जगत पहलवान, उसके बेसुरे गायन से कसाई की एक ढेर बकरियां और दो दर्जन कुक्कड़ भी शहीद हो गए। समय दूर नहीं जब कुछ नहीं बचेगा। जगत पहलवान ने बुलाया है, आइए चलिए पधारिए। मेरा गुणगान आखिर मैं तो पहुंच ही गया। आ गया गोपी गैया, जैसे कोई महापंडित संगीत सम्राट बना रहा। ख्याल तो देखो इसकी, किसी कुक्कड़ से कम नहीं है। ओ सा रे भोरे भाई, भोरे भाई 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 भाई, इसको तीसरे और छठे सुर पे बिठाओ और निकाल दो राज्य के बाहर। तीसरा और छठा सुर क्या मतलब? सा रे का म प था गधा। जाओ बाघा जाओ, जंगल में जाके बजाओ। शायद टिकट नहीं आ रही, महावीर जब नाम सुना रहे परछाई भाई, डर लग रहा है आपको? डर किसको लग रहा है? हम डरते थोड़े, बिल्कुल नहीं, कितने नहीं। तो आप मेरे सर क्यों खुजला रहे हैं? मैं हूँ अमलोकी से गोपी, हम हैं बागा चिंकोली से। साहब पता पता सादी पता बहुत बढ़िया, उत्तम। आप गाते हैं और हम बजाते हैं। क्या बजाते हैं? बांसुरी? नहीं, सोचिए क्या बजाते होंगे। सितार? नहीं। अच्छा ढोल। बहुत तेज बुद्धि है आपकी, अब मिलेगी ताल से ताल, दुनिया देखेगी जुगलबंदी का कमाल, बदल जाएगी अपनी चाल, रुमाल धमाल ताल ढाल घोड़े की नाल।
पैजामा, तू है लोटा, मैं हूँ पानी। मैं हूँ बड़ा, तू पैजामा, तू है लोटा, मैं हूँ पानी। मैं गोपी, गोपी गवैया। गोपी गवैया, तू बागा बागा बगैया, तू है गुल्ला, मैं हूँ रस, तू है मुल्ला, मैं हूँ दाढ़ी, मैं हूँ राणा, तू पैजामा, तू है लोटा, मैं हूँ पानी। तू है बाधा, मैं दौलती, तू है झटका, मैं हूँ बिजली। मैं गोपी, गोपी गवैया, तू बागा बागा बजैया। क्या बोल रहे? चिंता चिंता से बोल, चिंता नहीं, चिंतन करो, चिंतन। ऐसा बोल रहे? मेरी माँ जकिंता लगा संगीत अच्छा हमें तुम्हारा सरमरे चल संगीत मधुर गोत्रफीनी हम आपको देंगे चरित्रिणा वरदान। चार वरदान? चार नहीं, तीन। भूत राजा ने तीन कहा, मुझे तो चार सुनाई दिया था। इसका ठीक से लगाइए। चार सुना? वही सही सुना, चार। अब चुप। वैसे हमारी इच्छा है कि दुनिया के लोग हमारी कला को चाहें, हमारी कला को सराहें। मदहोश हो जाए हमारा गाना सुन के, हमारे संगीत में जादू हो जादू, जो कर दे सुनने वाले को बेकाबू। दोस्तों गाओगे, ढोलक बजाओगे, सुनने वाले मदहोश बेहोश जब तक संगीत चलेगा। अब दूसरा। अब हमारी बारी, हमारी बारी। हमने कल से कुछ खाया नहीं है, पेट में चूहों की संगीत सभा चल रही है। हम जब जब चाहें ऐसा कोई उपाय, स्वादिष्ट भोजन उपस्थित हो जाए। सीधा हाथ और सीधा हाथ ताली बजाओगे, बोलोगे एक दो तीन ताली, मिले पकवान थाली, पूरी पराठे कद्दू, घी जलेबी लड्डू, वरदान दूसरा। और तीसरा, हम चाहते हैं दुनिया की सैर करे, जब चाहे सर 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 हवाओं से करे बातें। जादुई जूता पहन लिया, भूत राजा स्मरण किया, चलो शुंडी का पलक झपकते वही पहुंचा। अब तुम्हारा चौथा। हमारा चौथा? हम दोनों मर गए क्या?
वरदान की बात कर रहे हैं। भूत महाराज, क्या एक वरदान आप पर उधार रख सकते हैं हम? अरे क्या कह रहे हो? जब बहुत जरूरत होगी तो आपको तकलीफ दे देंगे। तो थोड़ा वरदान भविष्य में संपूर्ण मनुष्य, तुम्हें डराना हमारा कर्तव्य, करेंगे बागा, बागा। बहुत भयानक सपना देखा मैंने, और उसमें एक मरा हुआ भूत देखा। मरा हुआ भूत? अरे हाथ मिलाइए, हमने भी देखा मरा हुआ भूत। हम ढोल बजा रहे थे और वो थिरक रहे थे। ये तो मेरा सपना है। तुमने हमारा सपना देखा है ना? लंबा सा, मोटी मोटी हाथ, बिना आंखों के अंधा, गंजा सर, धीमी धीमी आवाज, सर से पैर तक सफेद लिबास। बोलो बोलो। बिल्कुल नहीं, इसके बिल्कुल विपरीत दिखते हैं भूत जी। सत्य वचन। और भूत जी को हमारा संगीत इतना अच्छा लगा कि उन्होंने हमको तीन चार चौथा वाला तो पोटली में है, जब चाहिए खोल लेंगे। चौथा वरदान पेट भर खाना, दुनिया की सैर, हमारा गाना बजाना सुन के लोग मदहोश। सपने भी सपनों में कैसे कैसे मजाक करते हैं हमसे, लेकिन सपना था तो अच्छा। गोपी? अरे अरे वाह, ओस किरण भीगी रेत फूल पंछी बादल श्वेत, श्वेत नहीं श्वेत, बादल श्वेत। ओहो गोपी भैया, श्वेत नहीं श्वेत, श्वेत श्वेत, फूल पंछी बादल श्वेत। भोर भाई सारे का धा सारे पधा सा सारे रे गा गा पा पा धा सा सारे गा पा धा सा सारे गा पा धा सा। Ah!
सपना सत्य है, मतलब वरदान भी। भूख लगी है। एक दो तीन ताली, मिले पकवान थाली, पूरी पराठे कद्दू, खीर जलेबी लड्डू। क्या हुआ, गरम है? गर्मा गर्म, नरम गरम, टूट पड़े। आओ खाओ और सबको खूब खिलाओ। मिल बात के खाने में तो असली स्वाद है। पता नहीं क्यों गोपी, मगर खाने के बाद मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती। और मैं तो खाने के बाद बिल्कुल चल भी नहीं सकता। चले या जादू जूता पहन लिया, भूत राजा स्मरण किया। इन्हें शायद पहनना पड़ेगा। कहाँ जाना है? कहाँ जाएं? वापस अपने गांव चले। गांव वाले यही जूते निकाल के हमारे सर पे मारेंगे। एक उपाय है। भूत जी ने कहा था ना अपने मंत्र में, शुंडी। शुंडी के राजा के दरबार में चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। कोई राजा बाजा के दरबार में नहीं। पर सोचो, अगर उनको हमारा गाना बजाना अच्छा लगा तो हो सकता है वो हमको अपने दरबार में संगीतकार भी घोषित कर ले। फिर हम महाराज के साथ महल में ही रहेंगे। तुम गाना, हम बजाएंगे। बाबा बहुत बढ़िया। जादू जूता पहन लिया, भूत राजा स्मरण किया। चलो चुन्नी गाओ, पलक झपकते वही पहुंच जाओ। वाह, देखो देखो, तेरे कैसे संगीतकार हो तुम? हद उस अति कर दी तुमने। अपने राजा का गुणगान करने की बजाय तुम धरती, सूरज, फूल, नदी और चांद सितारों की तारीफ कर रहे हो। हम सब कोई प्यार नहीं करता। हमारे राज्य का संगीतकार, देखो तो इसे उपाधि हमने दी और पूजा किसी और की। हम तो सोच रहे हैं कि संगीत पर प्रतिबंध लगा दें और संगीतकारों को देश निकाला दे दें। अरे ये कैसा राजा है, यहाँ से चलते हैं। अरे नहीं गोपी, यही तो मौका है। राजा अभी के फनकार से प्रसन्न नहीं लग रहे हैं। मतलब वो खोज रहे होंगे हमारे जैसे होनहार कलाकार। अरे चोर, लुटेरे, बदमाश, डाकू और घुसपैठिए, वो भी हमारे दरबार में आसमान से टपक रहे हैं। और संगीतकार एक भी नहीं, आसमान से गिरे बिना खजूर के अटके। सुरक्षा बिल्कुल निकम्मी, शून्य, सिफर, दत्ता गुल और निष्फल। ले जाओ दोनों को और काल कोठरी और हवालात में फेंक दो। नहीं रुकिए महाराज, और महादेव हमें बचाइए, काल कोठरी में ना डालिए। सलाम, बादशाह को सलाम, शहंशाह को सलाम, चक्रवर्ती को सलाम, छत्रपति को सलाम। बादशाह को सलाम, शहंशाह को सलाम, चक्रवर्ती को सलाम, छत्रपति को सलाम, महावीर को सलाम, रणधीर को सलाम, सम्राट को सलाम, शहंपनाह को सलाम, सलाम 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 सलाम, शुंडी के राजा को सलाम, सलाम सलाम सलाम, शुंडी के राजा को। देखा जिस चांद को आपने, उस चांदनी को सलाम, छुआ जिस फूल को आपने, उसकी खुशबू को सलाम, सलाम। जिस चांद को आपने, उस चांदनी को सलाम, जुआ जिस फूल को आपने, उसकी खुशबू को सलाम, पड़े पांव जिस धरती पे आपके, उस नक्श कदम को सलाम, पूजा जिस मूरत आपने, उस माला को सलाम 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 सलाम।
सलाम सलाम शुंडी के राजा को राजा जिस देश के आप हो उसकी प्रजा को सलाम धन धान जो बरसा राज्य में उस खुशहाली को सलाम दर्जा दिया जो समान आप उस सम्मान को सलाम आता हमें जो नजर उस ईश्वर को सलाम 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 चुंडी के राजा को सलाम मलाक मलाक अले अले अनर्थ मलाज अनर्थ हुंडी के जिले इलाही आकलमन की तैयारी कर ले है तो हमें क्या करने दो आकलमन उर्फ आक्रमण करना है तो नहीं मलाज हम पे आकलमन कर ले तो छुप जाओ कहीं पे ढूंढ नहीं पाएंगे तो आक्रमण भी नहीं कर पाएंगे तुम पर अले हम पे मतलब हमारे राज्य पे आप पे हम छप पे ये लीजिए महाराज तो फलाए हो नहीं महाराज पैगाम है नहीं चाहिए पैगाम कभी तोहफा तो लाते नहीं पैगाम पे पैगाम लाते रहते हो समय है सिर्फ 3 दिन का समय है सिर्फ 3 दिन का कर लो फैसला हम करेंगे तुम्हारे संग एक खून की प्यासी जंग जब तुम कर रहे थे मौज हम खड़ी कर रहे थे फौज या तो डाल दो हथियार नहीं तो मरने को हो जाओ तैयार तो सोच लो मेरे भाई हार मान लेने में ही है भलाई हुंडी के महाराजा पद्मपति मेरा भाई मेरा खुद का जुड़वा भाई मेरा नामो निशान मिटाना चाहता है क्यों क्यों उर्फ किस लिए कोई बताएगा मुझे अर्ज किया है क्योंकि आपका जल्लाद भाई आपके हस्ती खेलते हुए राज्य से जलता है उसके सुख का सूरज आपके सुख के सूरज को देखकर ढलता है सही जवाब उर्फ उत्तर युद्ध से याद आया हमारे पास हाथी कितने हैं फौज में एक और वो भी पूजा पाठ के लड्डू खा खा के मोटा हो गया ऊंट तीन मगर वो भी सामान ढोने के काम आते हैं घोड़े उर्फ अश्व 8 मगर वो मगर क्या आपकी घोड़ा गाड़ी जो है और सैनिक कितने हैं पूरे 27 नहीं सब मेरी ही गलती उस दोष है मैंने कभी सेना के बारे में सोचा ही नहीं अब भाई बन गया कसाई युद्ध तो करना ही पड़ेगा कफन वाले को बोलो 27 कफन तैयार करे और उन 27 सैनिकों को बोलो उन कफन को सर पर बांध कर तैयार हो जाएं जंग के साथ आएगी मौत मगर महाराज क्या ये जंग उर्फ युद्ध टल नहीं सकता नहीं टल सकता नहीं टल सकता हो सकता है हम आपके भाई को रोक पाए मानना पड़ेगा संगीतकार हिम्मत उर्फ जिगर है मगर ऐसे क्रूर इंसान को क्या बोलोगे और वो तुम्हारी क्यों सुनेगा और हुंडी बहुत दूर है ना घोड़ा है ना हाथी ना खच्चर ना घोड़ों की जरूरत नहीं महाराज हमारे पास जूते हैं मतलब हम दोनों बहुत तेज चल सकते हैं महाराज हम भाग भी सकते हैं मतलब आपको छोड़ के नहीं भागेंगे मतलब भागेंगे मतलब वापस भागेंगे ठीक है तुम भाग सकते हो मतलब वापस भी भाग उर्फ दौड़ के आना मतलब अगर तुमने ये कर दिया तो हम खुश उर्फ संतुष्ट हो जाएंगे हम है जाने को तैयार तो बस यार भुला देंगे आपके भाई को तकरार उसके बाद आपके गले पड़ने की जगह वो गले मिलेगा और दो भाइयों का भाईचारा कीचड़ में खिले फूसा फिर खिलेगा फिर खिलेगा भाई साहब क्या हुंडी यही है भाई साहब क्या हुंडी यही है लगता है यहाँ पे सब गूंगे हैं
दिन हो गए, अभी तक उन्होंने घुटने नहीं टेके। कहीं कोई खिचड़ी तो नहीं पका रहे? मुझे खिचड़ी पकाने वाले अच्छे नहीं लगते। देखिएगा महाराज, थोड़ी ही देर में शुंडी वासी आकर गिड़गिड़ाएंगे, थर थर कांपेंगे आपके सामने। आप चिंतित मत होइए महाराज। पता नहीं, ऐसा लग रहा है दाल में कुछ काला है। जीरा था महाराज, मैंने ही डलवाया था। दाल की चिंता मत कीजिए महाराज, दुश्मन की खाल की चिंता कीजिए। उनकी खाल नोच नोच के, नोच नोच के चीथड़े चीथड़े। हमें अपनी फौज दुगनी कर देनी चाहिए। दुगनी? हाँ, दुगनी कम है, तिगुनी, चौगुनी, चौगुनी करें। नहीं महाराज, शुंडी के पास सिर्फ 27 सैनिक, शून्य हाथी, शून्य ऊंट, शून्य घोड़े। हमें तो इन सब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे भाई को नहीं जानते, बहुत उल्टी सोच है उसकी, जरूर किसी तिकड़मबाजी में लगा। जाओ सारे आम जनों को कहला दो, सबको फौज में भर्ती होना पड़ेगा। एक एक हथियार उठा ले और अपने राजा के लिए मरने को तैयार हो जाए। वो बोल नहीं सकते, जबान नहीं है मुंह में, मगर अपने राजा के लिए मर जरूर सकते हैं। ले चलो सबको, राजा का हुक्म है। इसे भी और इसे भी, इसका कोई काम नहीं मगर इसे भी लूट लो, और इसे छोड़ने का फायदा भी क्या है। चलो महाराज, ये रही हमारी नई खास, खुखार, खतरनाक, खौफनाक फौज। जबान से बोल नहीं सकते, मगर अपने राजा के लिए अपना सर तो कलम करवा सकते हैं। जाबाज जोशीले जवान, अब हम पूरी तरह से खुश हैं। हम यहाँ युद्ध रोकने आए थे, ना कि इनकी फौज में भर्ती होने। चीड़े मकाड़ों, उठाओ अपने अपने हथियार और हो जाओ तैयार मरने के लिए। आजा बागा, उठाओ अपना हथियार। तर्क कर, वितर्क कर, संघर्ष कर, विरोध कर, सवाल कर, विचार कर, सोच कर, इश्क कर। तर्क कर, वितर्क कर, संघर्ष कर, विरोध कर, सवाल कर, विचार कर, सोच कर, इश्क कर। पर ये कैसा अस्त्र है, कैसा ये शस्त्र है। पर ये कैसा अस्त्र है, कैसा ये शस्त्र है। हाथ में तलवार क्यों, विनाश में क्यों अस्त्र है। संघर्ष कर, विरोध कर, सवाल कर, विचार कर, सोच कर, इश्क कर, इश्क कर। लड़ना है तो लड़ लाचारी से, मारना है तो भूखमरी को मार। बने हुए को मत तोड़, टूटे हुए को फिर जोड़। तलवार छोड़, उठा कलम, खंजर छोड़ और खा कसम। तलवार छोड़, उठा कलम, खंजर छोड़, खा कसम। न काटूंगा, न मारूंगा, उजाड़ूंगा, न बांटूंगा। उठा कलम, हल आरी वार नहीं, तू कर यारी। तू युद्ध का गुलाम नहीं, तेरा जगो पे नाम यही। उठा कलम, हल आरी वार नहीं, तू कर यारी। तू युद्ध का गुलाम नहीं, तेरा जगो पे नाम यही। तर्क कर, वितर्क कर, संघर्ष कर, विरोध कर, सवाल कर, विचार कर, सोच कर, इश्क कर। तर्क कर, वितर्क कर, संघर्ष कर, विरोध कर, सवाल कर, विचार कर, सोच कर, इश्क कर, इश्क कर। Mm-hmm.
मैं कहा हूँ, ये सब क्या हो रहा है और ये सब फौज क्यों? ये क्या हुआ हमें? ये सब कहीं उस संगीत की वजह से तो नहीं? महाराज, लगता है आपकी तबीयत फिर खराब हो गई है। आप अपनी याददाश्त फिर भूल गए? चलिए मेरे साथ थोड़ी सी घुटनी पिएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। कौन थे वो दोनों? हुंडी के राजा की शक्ल देखी? जब हमने संगीत शुरू किया तो एकदम से बदल सी गई, जैसे शेर मानव बिल्ली बन गया। आंखें ऐसी थी और ऐसी हो गई। हाँ सच में, और वो जो सेनापति था जिसकी शक्ल ऐसी है, आईना तोड़ शक्ल, वो कुछ गड़बड़ लगा मुझे। एक काम करते हैं, राजमहल में चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या होता है। अगर देख लिया हमें तो हम गायब हो जाएंगे। चलो हुंडी का पलक झपकते वही पहुंच जाओ। ये मेरा है। तो तू है लड्डू, हंस क्यों रहा है? चींटियों के भोजन ये पाती बना को कर ऐश राजा सेना रहे कठपुतली। और क्या कह रहा है? मैं राजा को कठपुतली बनाकर ऐश कर रहा हूँ? और राजा जुबान है, बात हमारी जब लोग की तो गूंगे मुट्ठी में, तुम्हें डर किसका? जब लोग गूंगे हैं और राजा की जुबान हमारी मुट्ठी में तो मुझे डर किस बात का? डर है उन दोनों संगीतकारों का। कार संगीत कार? कल दो संगीतकार चंपू न जाने कहां से आ गए और एकदम से गाने बजाने लगे। उनका संगीत सुनते ही हम एकदम मदहोश से हो गए और राजा उनका गाना सुनने के बाद होश में आ गए। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, नहीं तो युद्ध की जगह फिर से शांति का राग अलापने लगेंगे। तगड़ी घुट्टी बनाओ जिसका जायका असरदार जोरदार और जबरदस्त हो, समझे? कितना मूर्ख हमको खतरनाक, ज्यादा पड़ेगा दुश्मन सावधान। दुश्मन को हमें सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि हम मूर्ख हैं। हम मूर्ख दुश्मन नहीं है। हम मूर्ख हैं और दुश्मन है ही नहीं। अच्छा अच्छा, हमको सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि दुश्मन मूर्ख है और इसलिए खतरनाक भी। अपने मन की आंखों पर चश्मा लगाकर साफ साफ देखो और उगल दो, कहाँ है वो दोनों चंपू? जादू तो ना अगड़म बगड़म अच्छी तोड़म, मैं के शहर पहाड़ी तरफ, इस पहाड़ी के इस तरफ शहर में अंदर के महल है। महल के अंदर? गुड़कते लड्डू, सच कह रहे हो? इस हाँ जगह ही, यहाँ इधर इस जगह। हम क्यों भाग रहे हैं? रुको रे रुको, सैनिक भागो। हम देखकर भी कुछ नहीं देखेगा, आंख बंद। हम सुनकर भी कुछ नहीं सुनेगा, कान भी बंद। मुंह खोलकर भी हम कुछ नहीं बोलेगा।
कुछ नहीं देखेगा, सुनेगा, बोलेगा, हम तो बस नाचेगा, गाएगा, बजाएगा, नाचेगा, नाचेगा, गाएगा, बजाएगा, हम तो बस नाचेगा, गाएगा, बजाएगा। हम किसी को नहीं बोलेगा कि तेरे हाथों में है राजा की डोर, राजा की डोर, वो तेरे हाथों का है मोर, तेरे दिल में 41 चोर, 41 तू है अस्तीन का सांप, तेरे दिल में है घोर पाप, छी छी छी, तेरे अंदर छल कपट की छाप, सुनेगा बोलेगा, हम तो बस नाचेगा, गाएगा, बजाएगा, हम तो बस नाचेगा, गाएगा, बजाएगा। हम किसी को नहीं बोलेगा कि तू चाहता है राजगद्दी पर बैठना, चिपक के सारी शक्ति ऐठना, सब माल हथियाना, राज पर कब्जा जमाना, तू चाहता है प्रजा हो तेरी गुलाम, भैया सुर नीचे, सुर नीचे, तू चाहता है प्रजा हो तेरी गुलाम, गुलाम, राजा महाराजाओं में हूँ तेरा ही नाम, सब गाए तेरा ही गुणगान, मुट्ठी में हो तेरी सबकी जान, तू बन जाए भगवान, इनको तो बज गई भैया। जाओ उनको पकड़ कर लाओ, जो उन्हें पेश करेगा यहाँ उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा, जाओ। हाँ हाँ वचन है हमारा, जाओ। अरे मेरे लड्डू, मेरे बूंदी के ढेर, जल्दी करो, एक ही दिन बचा है। महाराज होश में आ रहे हैं, हल्ला बोल का आदेश नहीं देंगे तो फौज ही बैठे बैठे दुश्मन की जगह मच्छर मारेगी। अरे रखो, जाएंगे तुम ध्यान दिया के पड़ भंग हो। है? क्या बोल रहा है? सेना के पति, पेट पूजा कर लो। सरकार यह जादुई घुट्टी सारी तकलीफों का समाधान है? इसकी एक बूंद भुखमरी और लाचारी को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ देगी। ऐसा? लड्डू महाराज की उपज है, उनकी देन है। जय लड्डू महाराज। हाँ जय लड्डू महाराज। डालो डालो, बहुत बढ़िया। जो महाराज के लिए भला है वो सबके लिए भला है। खाओ खाओ लड्डू खाओ।
फौज आक्रमण के लिए तैयार है। बस एक ही दिन का वक्त शेष है। शुंडी के महाराज हथियार डालने आते ही होंगे। शुंडी, मेरा खिचड़ी वाला भाई, नफरत है उससे। मुझे खिचड़ी खाने में हमेशा हरा देता था, अब मैं हराऊंगा उसे। युद्ध, जंग, फौज को तैयार करो। हल्ला कुछ नहीं चाहिए हमें, न खाना न कपड़ा, बस हमें जंग चाहिए। आक्रमण। मुझे लगता है हमें एक दूसरे से अलग रहना चाहिए। बिल्कुल सही, जब से हम मिले हैं तब से लेकर आज आपने अकलमंदी की बात की है। अच्छा, और वो चौथा वरदान, वो किसकी अकलमंदी थी? हाँ, वो आपकी अकलमंदी नहीं थी, बस गलत फहमी थी। बच गए, शुक्र करो कि भूत जी ने श्राप नहीं दिया। जो भी हो, मुझे आपकी जरूरत नहीं, मैं अकेला ही गाकर लोगों को मदहोश कर सकता हूँ। जैसे हमें आपकी जरूरत है, हम भी अपना ढोल अकेले ही बजा सकते हैं। तो जाओ जाओ बजाओ। ये आप पेड़ के पीछे क्यों छुपे हैं? बाहर आइए। मैं क्यों छुपू? मैं यही हूँ, मैं थोड़ी तुमसे डरता हूँ। अच्छा, तो सेनापति ने भेजा है तुम्हें हमें पकड़ने के लिए। हाँ, तो आइए। सेनापति? सेनापति मुझे क्यों भेजेंगे? मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूँ। हाँ, बजाइए बजाइए, जितना जी चाहे बजाइए। आपको क्या लगता है हम आपके काबू में आ जाएंगे, होश खो बैठेंगे? बिल्कुल नहीं, हम यहीं पे हैं, चुस्त दुरुस्त। बोलती क्यों बंद हो गई? डर गए? बजाओ अपना ढोल। हमारी लड़ाई की वजह से ये हुआ है। सच में, हम पहली बार लड़े और यहाँ आ गए। पहली बार नहीं लड़े तो आखिरी बार लड़े। सच, जब किसी से दोस्ती कर सकते हैं तो उसे लड़ाई क्यों करें? हम दोनों अब कभी नहीं लड़ेंगे। जूता? हाँ, कोशिश करते हैं, क्या पता एक जूता हमें आधे रास्ते तक तो ले जाए। हाँ, जादुई जूता पहन लिया, भूत राजा स्मरण किया, चलो शुंडी गांव, पलक झपकते वही पहुंच जाओ। शुंडी का राजा। तानाशाह को सलाम, भक्षक को सलाम, विनाशक को सलाम, जल्लाद को सलाम, अमानुष को सलाम। भक्षक को सलाम, विनाशक को सलाम, जल्लाद को सलाम, अमानुष को सलाम, अहंकारी को सलाम, अत्याचारी को सलाम, अधर्मी को सलाम, तानाशाह को सलाम, सलाम 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 सलाम, हिंदी के राजा को सलाम। देखा जिस चांद को आपने उसके दागों को सलाम, छुआ जिस फूल को आपने उसके कांटों को सलाम। देखा जिस चांद को आपने उसके दागों को सलाम, छुआ जिस फूल को आपने उसके कांटों को सलाम। पड़े भाव जिस धरती पे आपके उस बंजर भू को सलाम। पूजा
कुदरत आपने उस शैतान को सलाम 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 सलाम। राजा जिस देश के आप हो उसका हो काम तमाम, धन धान जो लूटा राज्य से उस कंगाली को सलाम, जो रौंदा इंसान को तुमने अपमान को सलाम, आता हमें जो नजर उस हैवान को सलाम 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 सलाम, हिंदी के राजा को सलाम। एक दो तीन ताली मिले पकवान थाली, पूरी पराठे कद्दू खीर जलेबी लड्डू। खाने का तो छोड़ो, इन्होंने ऐसा खाना कभी देखा भी नहीं है, यही मौका है। पता है हम क्या खा रहे हैं? चीनी की चाशनी में डूबे हुए ताजा दूध से तैयार पनीर के गुलगुल्ले, मतलब रसगुल्ले। चाहिए? थाली बाहर नहीं आ सकती, अंदर आ जा। बुनी हुई बोम्बिल और पुदीने की चटनी, लाजवाब। मुंह में बारिश हो रही होगी। आक्रमण का आदेश दिया है, आदेश का पालन करना हमारा फर्ज है। तो मेरे बहादुर कीड़े मकोड़ो, जान देने को तैयार हो जाओ। सावधान। हमारे जूते, हमारा ढोल। बस यही अब क्रांति हो, हर जगह अमन शांति हो। कहे गोपी बगा सुन भाई साधो, शूर वही मन में जिसके मैर न हो। घी में हो पांचो उंगलिया, उंगलिया पांचो उंगलिया। घी में हो पांचो उंगलिया, उंगलिया पांचो उंगलिया। मुंह में सबके हो मालपुआ, गोपी बगा के यही दुआ। में हो पांचो उंगलिया, बढ़ते कदम थामो रे, किस राह पे हो जानो रे, बदल के अपना वर्दी लौट अपने देश। बढ़ते कदम थामो रे, किस राह पे हो जानो रे, बदल के अपना वर्दी लौट अपने देश। ऐसा हो गजब जाओ, जाओ जल बना
हाथ उठा के दुआ मांगो मेघ से बरसे लड्डू बूंदी लड्डू बेसन लड्डू बूंदी लड्डू बेसन लड्डू गुलाब लड्डू गुलाब लड्डू बूंद के लड्डू सूजी लड्डू बूंदी लड्डू सूजी लड्डू रूपा लड्डू रामा लड्डू रवा लड्डू मेवा लड्डू लिंग लड्डू आला लड्डू बूंदा दिवाली लड्डू भोली चोरा ये लड्डू भोली बेसन लड्डू रवा मेवा बूंद सूजी मुरबर दाना डिंग रागी आटा भोपी बगा मल्हार के महाराज हल्ला बोल का आदेश दीजिए, समय नष्ट हो रहा है। नहीं, आखिर वो मेरा भाई है, हम बचपन में नहीं लड़े तो बचपन में क्यों? महाराज युद्ध करना तो सेना का कर्तव्य है, जो चीज हमारे पास नहीं और पड़ोसी के पास है तो उसे युद्ध करके छीन लो, चुंडी के अनाज के गोदाम हमारे हो जाएंगे, चुंडी और हुंडी दोनों हमारे हो जाएंगे महाराज। नहीं, कोई लड़ाई और युद्ध नहीं, मैं आक्रमण का आदेश नहीं दूंगा। याद आया मुझे, याद आया, एक लुटेरा था और उसका जादूगर दोस्त और साथी, सब याद आ गया हमको। महाराज की जय। जय हो महाराज की। महाराज मिठाई। मिठाई? तुम दोनों क्या फरिश्ते हो? हम फरिश्ते नहीं, हम मामूली संगीतकार हैं, गोपी और बाघा। पद्मापति लक्ष्मीपति, जैसे हो तुम भाई, तुम्हारी इतनी याद आती थी हमको, तुम्हारे वो खर्राटे, उनके बिना नींद नहीं आती आज भी। पता नहीं मत और बुद्धि मारी गई थी मेरी, मगर अब मैं वापस आ गया हूँ, अब हम एक हो जाएंगे हुंडी और शुंडी, और तुम होगे दोनों राज्यों के महाराज और प्रजापति, हुंडी और शुंडी, शुंडी और हुंडी। नहीं भाई, ये तुम्हारा राज्य है। नहीं भैया, ये बोझ और भार मुझे नहीं चाहिए, आप ही रहना राजा। नहीं तुम, नहीं आप। बात नहीं मानी तो इसी बात पर जंग छिड़ जाएगी, करूं आक्रमण का ऐलान। भैया आप सचमुच मुझे कितना प्यार और प्रेम करते हो। ओकी ओई की आखी आई है यार, हाँ अरे ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, अरे अपने आएंगे यार आ गए। तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ, अपना चौथा वरदान। हाँ एक बचा हुआ है, अब हमारे पास सब कुछ है, अब प्रजा के लिए उनको आवाज देते हैं। हाँ ताकि वो आपके सुर से सुर मिलाकर गा सके। सच्ची उर्फ मुची। सम्राट चौथा वरदान, हम अपनी प्रजा को आवाज देना चाहते हैं। गूंगा ना रहे अब कोई, जो चाहे बोले लगाए। उरी तथास्तु।
सपनों का संग अपनों का तिलस्मा हमें दिखलाया रंग जीवन का रंग सपनों का संग अपनों का तिलस्मा हमें दिखलाया हे लवी होगी दरिया हे गोपी बन गई प्रजा शुंडी की प्रजा बन गई प्रजा हुंडी हुंडी के राजा तो ये रही हमारी उरुक्कु का पहला शो, जोरदार तालियां हो जाए। जितना मजा आपको आया आशा रखती हूँ उतना मजा बच्चे आपको भी आया होगा। कितना मजा आया, क्या बात है। तो अभी हमारे नारायण परशुराम जी मंच में हैं। मैं जूई मैम और पद्मजा मैम को बोलूँगी एक बार प्लीज़ मंच में आ जाइए। बच्चे बेहद खुश सर आज हमारे साथ हैं। सच में इतना अंधेरा, इतना युद्ध, इतना लड़ाई, सब लोग आखिर में प्यार चाहते हैं, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं। पद्मजा मैम, हाँ पद्मजा मैम और जूई मैम मंच में है, सर बच्चों से मिल रहे हैं। सच में बहुत ही बेहतरीन सा एक मोमेंट है और सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ आप लोग फीडबैक लिख के जाइएगा ज़रूर। सर प्लीज़ एक बार आ जाइए, आपके लिए हमारे पूरे परिवार की ओर से एक प्यारा सा तोहफा। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच सर। सर अभी
सर को अनुरोध करूंगी कि सर थोड़ा कुछ अगर ढंग जीवन का रंग सपनों का संग अपनों का तिलस्मात हमें दिखलाया ये बच्चे पाठशाला के बच्चे बन गए गुरु हमारे गुरु डू यू एग्री विद मी या दे आर नॉट चिल्ड्रन दे आर आर टीचर्स टुडे क्या बोलूं मैं आई मीन इट्स सो डिफिकल्ट यू नो आज दोपहर में इनके स्कूल में गया था मुझे बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि आज मैं क्या देखने वाला हूं मुझे जूही मैडम ने कुछ एक महीने पहले कुछ ईमेल भेजा कि ये नाटक हो रहा है बेस्ड ऑन द साउंड ट्रैक ऑफ द फिल्म एनिमेशन फिल्म एंड आई थॉट कुछ होगा बच्चे कर रहे हैं कुछ स्कूल प्ले जैसा होगा मतलब मैंने सपने भी में नहीं सोचा था कि इतना बड़ा प्रोडक्शन होगा एंड इसका एक कारण है सी मेकिंग अ प्रोडक्शन इज नॉट अ बिग डील अकॉर्डिंग टू मी या मेकिंग अ प्रोडक्शन is and making films we see so many films right almost every friday film release hoti rehti hai lekin aaj dopahar ek ghatna hui humse jab main school mein gaya tha bahut sari ghatna hui waise but one thing that I will cherish for the rest of my life is that I was interacting with the children and we were singing some songs tark kar vitark kar sab ga rahe the hum log sab gaane और ये सब होने के बाद वन लिटिल गर्ल आई कैन आइडेंटिफाई हर नाउ हियर बिकॉज शी इज इन द कॉस्ट्यूम हाँ शी कम्स एंड आस्क मी अंकल आपको ये गाना कैसे मालूम है नहीं ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण यू नो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तत्वम कि आई थॉट आई हैड कोट एंड कोट कंपोज्ड एंड एग्जीक्यूटेड दीज सॉन्ग्स And we think we are very great, correct? ये सब करने के बाद हम लोग awards, awards मिलता है, public लोगों की तारीफ मिलती है. But here these children, they taught me such an important lesson. That's why I call them the guru. Is that the child is coming and asking me कि how come you know these songs? Because उन्होंने इतने हद तक internalize किया था, मतलब गाने को अपना बना दिया तो उन्होंने. How can you ever find a rasika like this? This is the highest darja of a rasika. कलाकार बनना बहुत आसान है सच्ची बोलता हूं मैं लेकिन पहले जो रसिक बनते हैं इस हद तक कि वो इतने मतलब दे हैव इंटरनलाइज द सॉन्ग सो मच दैट इट ब्रॉट टीयर्स टू माई आईज व्हेन द चाइल्ड आस्क्ड एंड देयर वाज समबडी विद मी एंड आई सेड आई थिंक दिस इज द ग्रेटेस्ट अवार्ड एनी म्यूजिक डायरेक्टर कैन एवर गेट ग्रैमी वैमी सब पीछे छोड़ो यार एंड नाउ इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द वॉट आई विटनेस टूडे I think another 1 hour will go because I really, really, really did not expect this. You know, I did not expect this scale of performance by all the children. And having been part of the film, I realized that in bachchon ne the kind of performances that I saw. Yes, costumes are great, stage is wonderful, everything is great. We see so many wonderful plays today, but the way they used the space the way they performed did you I don't know if you realized that for many characters there were multiple actors playing the characters you know like there were two hundi shundi ke raja there were two gopi gopi and baga because the special effects demanded that in the film and the choreography oof the costumes The dance performances, sir, कहां पे सीखा इन्होंने ये सब आई कांट फॉर द लाइफ ऑफ मी बिलीव वेयर आर दे लर्निंग ऑल दिस एंड द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस द बारीकी जो बोलते ना सटल नुआंसेस व्हेन थिंग्स आर हैपनिंग व्हाट द अदर कैरेक्टर्स आर डूइंग आई डिड नॉट नो वेयर टू लुक व्हेन दे वर परफॉर्मिंग व्हेन गोपी एंड बागा ऑफकोर्स वर माइंड ब्लोइंग राइट यू नो हाँ Sinking, yeah, sinking with the soundtrack is so difficult. It is very easy to play a dhol, but to play a dhol to sync with the soundtrack so perfectly, and all the multiple detailing that was happening around the main characters,
because I was part of the film as the music composer, I can realize the mammothness of the effort that has happened today. And I think today we have been witness to a very, very major production. I would not call this a school play. I would not call this an amateur production. This is a production which, if you look at it from the... I have been to Broadway. I have even composed music for Broadway. But I am saying this is at that level. If not higher. So with this, I can go on and on talking, and I feel so grateful, I feel so blessed that, you know, film bana diya humne, lekin inhone is tarah se isko apna ke, they gave it such a beautiful version. I can only thank Ishwara for making me a witness to this very momentous occasion today. Thank you so much. Bahut 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 dhanyavaad. Arre itna gaya inhone abhi, kaun sa? Actually, ये फिल्म में जो ये पहला जो गाना है इट इज सपोज टू बी आपको याद है गोपी और भागा किधर है? हाँ, आपको मालूम है वो? आप कर सकते हैं? कैन ऑल ऑफ यू डू दिस? सबसे पहले सा बोलना है. मैं हूं नाड़ा. गाओ. मैं हूं नाड़ा तू पैजामा तू मेरे को बंद कर दिया उन्होंने. वी शुड डू अ प्रोडक्शन विद द चिल्ड्रन ऑल्सो सिंग बिकॉज हियर दे डांस दे एक्टेड दे हैड फिनोमिनल थिंग्स. And today in the afternoon when I went there, it was so amazing. I don't know what I'm going to take back with me today. Thank you so much for making all this possible. And yes, all the Shrotas, the donors, who have made, who are funding such a momentous effort, I just feel very blessed. Bahut, bahut, bahut dhanyavaad. Thank you so much, sir. अभी मज़ेदार बात यह है कि बच्चे अभी अपना किरदार निभा चुके हैं, अभी अपने अपने रूप में आ रहे हैं. बच्चे आप लोगों को सामने भूत आपको और छोटे छोटे बच्चे आपको बोल रही हूँ, सर ने बहुत कुछ अच्छा अच्छा बोला, पर आप लोगों ने कितना सुना मुझे नहीं पता. पूरे ध्यान आप लोगों के ये लड्डू में था वो मैंने देखा. ठीक है, काश काश सच में ऐसे मोतीचूर के लड्डू गिरते. और पर हाँ, अगर हम सब मिलके चाहे सब मिलके एक दूसरे का हाथ पकड़े तो चारों तरफ प्यार और प्यार ही बरसेगा, और हम वही चाहते हैं. और एक बार जोरदार तालियां हो जाए पूरे पूरे श्रोतोषिनी टीम, पूरे सारे पार्टिसिपेंट्स, टीचर्स, बच्चे, सबको, सबके लिए. अभी जी मैम को कुछ बोलना है, फिर हम देखो अभी भी ध्यान कहाँ पे है. ओके, ये एक्चुअली बच्चों के लिए नहीं है या बड़े के लिए है. हमारी वॉलंटियर वो टिकट जो अरेंज कर रही थी, जो मैनेज कर रही थी शरोदिया, सो उस दिन मुझे बोला कि मैंने एक सपना देखा. क्या सपना? दरवाजे में बेल बजा और दरवाजा खोल के देखा सत्यजीत रे खड़े हैं. आके बोला 450 का टिकट चाहिए. उन्होंने बोला 450 का तो नहीं है सर. ठीक है 350 दे दो. तो 350 का टिकट देख के उन्होंने बोला वाह, बोल के चले गए. एंड देन शारदिया, शी इज़ माई डॉटर, तो सपने में ही वो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं मम्मा सत्यजीत रे आया था लेकिन टिकट का पैसा नहीं दिया, चले गए टिकट का पैसा बिना. सो एनी वे विथ हिज ब्लेसिंग्स. तो मैं जब ये नरेट कर रही थी तो पद्मजा ने बोला ये गुड ओमेन है हमारे लिए. सो बहुत अच्छा लगा सुन के, और थैंक यू वेरी मच. साथ रहिए और फीडबैक ज़रूर दे के जाइएगा. अगर लिखना थोड़ा मुश्किल है अभी तो मैसेज में मेरा नंबर, बाकी बहुत सारे लोगों का नंबर आपके पास है. सो प्लीज़ फीडबैक दीजिए, वो हमें आगे लेके जाएंगे. थैंक यू सर इतना एप्रिसिएशन के लिए, और हम लोग और करेंगे
और ये भी कर सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि स्टेज हमारा बहुत प्यारा है, मतलब बहुत पसंदीदा जगह है। थैंक यू वेरी मच, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे। अभी जल्दी से मैं बोलूँगी कर्टन बंद कीजिए, हम बच्चों के ये सारे जो भी चल रहा है इसको पर्दे के पीछे छुपा के अभी आपसे विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, तलवार टूट रहा है। सबको बाय बाय बोलो और जल्दी मिलेंगे, और आप सभी को यही बोलूँगी, ऐसे ही आपका प्यार हमें देते रहिए, हम जल्दी से दूसरा और कोई प्रोडक्शन लेके आपके साथ मिलेंगे। बच्चे अपने आप के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्या बात है, क्या बात है। उधर से नहीं, उधर से नहीं, शशांक भाई ये कर्टन बंद करने के लिए बोलिए। बच्चे आप लोग सब इसके ऊपर रहो, बस रंग जीवन का, बहुत सारा रंग दिखा दिया, सबको बाय बोल दो, जल्दी जल्दी मिलेंगे, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। सबको शुभ रात्रि, थैंक यू वेरी मच।